welcome back to my channel JK Makeup Villa. Today I share with you my this look, guys. So agar video pasand aaye to ise like kare, share kare and subscribe karna bilkul na bhule. Chaliye fir video start karte hain. So maine yahan first apply kiya hai good vibe ka rose glow toner, jo kafi acha hai. Isse aapka face bahut hydrate ho jata hai, to maine first ye apply kiya hai. Next maine apne face ko moisturize karne ke liye apply kiya hai good vibe ki day cream, जो कि काफ़ी अच्छी क्रीम है. इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट मैंने लिया है प्राइमर के लिए लैकमे एब्सोल्यूट का प्राइमर. इसको भी मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इस प्राइमर को अप्लाई करने के बाद ना आपके फेस पे एक पिंकी पिंकी ग्लो आता है. तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने फेस पर. तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिया है फाउंडेशन के लिए लैकमे एब्सोल्यूट का SPF 45 फाउंडेशन, जो काफ़ी अच्छा है. सो मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे. इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी. कंसीलर के लिए मैंने लिया है NY का कंसीलर. इसको भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश है इस कंसीलर का. मुझे तो ये कंसीलर काफ़ी अच्छा लगा. एंड अपने यहाँ पे कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया है मार्क्स का कॉन्टोर स्टिक, जो काफ़ी अच्छा है. सो कंटूर को भी मैं अपने एक स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. इसका भी फिनिश काफ़ी अच्छा है. और कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है EDS का बनाना लूज कॉम्पैक्ट. ये कॉम्पैक्ट भी काफ़ी मैट फिनिश देता है, जो हमें समर में चाहिए होता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये. इसको भी मैं एक स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर, अपने नेक पे, अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है लैकमे एब्सोल्यूट का आईब्रो पेंसिल. डार्क ब्राउन कलर है ये. आईब्रो को सेट करने के लिए मैंने लिया एक स्पूली. स्पूली की हेल्प से मैं आईब्रो को सेट कर लूँगी. स्पूली की हेल्प से आईब्रो को सेट कर लूँगी. एंड आई शेडो मैंने आई शेडो के लिए लिया है लैकमे एब्सोल्यूट का आई शेडो पैलेट में से गोल्डन एंड डार्क ब्राउन कलर. इसको मैं सिर्फ अपनी आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर पर ही अप्लाई करूँगी गाइस. मैंने ये दो कलर लिए हैं यहाँ से, इसमें से. इसको सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर में ही लगाऊंगी. एंड सेंटर में मैं लगाऊंगी अपना लिक्विड सिल्वर आईलाइनर. इसको मैं आई शेडो की तरह यूज़ करूँगी
एंड मुझे इससे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिल पाएगा, तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर अपना हाइलाइटर सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करूँगी, जो मैं इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने सेंटर आई में, इसको अच्छा फिनिश देने के लिए मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ गाइस। लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है कवर गर्ल का आई लाइनर, इससे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी अपनी आई पर। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मैट लुक का मस्कारा, मैं इसमें हल्का सा पाउडर कॉन्टोर करूँगी, जो मैं फेवर पैलेट से लिया है मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। ब्लशर के लिए मैंने लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लशर एंड मैं यहाँ पर अब हाईलाइट कर रही हूँ अपनी नोज़ को, अपने चिन एरिया को, जहाँ मुझे चाहिए मैं वहीं पर हाईलाइट करूँगी। लिप के लिए मैंने लिया है डार्क मरून कलर का लिप पेंसर एंड मैंने यहाँ पे लिपस्टिक के लिए यूज़ किया है ग्लैम की लिक्विड मैट लिपस्टिक, ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है और इसका कलर तो और भी अच्छा है। लोअर आईलैशेस के लिए मैं अपना डार्क ब्राउन कलर अप्लाई करूँगी एंड इसके साथ में मैं मिक्स ब्लैक कलर भी अप्लाई करूँगी। एंड गाइस मैंने यहाँ पे काजल भी यूज़ किया है, जो मैं दिखा नहीं पाई, बट मैंने यहाँ पे काजल NY का काजल अप्लाई किया है, NY का काजल अप्लाई किया है मैंने अपनी आई पे। इनर कॉर्नर में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, इनर कॉर्नर को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है। मेकअप को फिक्स करने के लिए मैंने अप्लाई किया है लॉरिया पैरिस का इनफॉरेबल मेकअप फिक्सर, ये काफ़ी अच्छा फिक्सर है, इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा डैप डैप कर लूँगी। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।